धर्म, प्रकृति धर्म को समझते हुए इस प्रकृति में, यानी प्रकृति बोलिए, ब्रह्मांड बोलिए, नेचर बोलिए, जिस समय जो होना है, जैसा होना है, उसके अनुसार ही होती है। इस पूरा ब्रह्मांड में मानव जाति भी है, जंतु जाति भी है, वृक्ष जाति, खनिज जाति यानी मिनरल किंगडम, पत्थर, सभी अपने अपने रोल निभा रहे हैं। यहां तक क्लियर? जब मानव शरीर में हम बैठे हैं, मानव जाति इस पूरा ब्रह्मांड की दिव्य आयोजन, डिवाइन प्लान में जो मानव जाति अपनी अपनी काम कर रही है, अपनी अपनी भाग ले रही है, उस मानव जाति में मैं भी हूं, ये आपको जानना है। इतना तक क्लियर? क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स, बिना मतलब कि आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे, किसी से भी नहीं मिलेंगे, आपके जीवन में कोई भी ऐसा घटना बिना मतलब की नहीं होती है। उसमें से एक घटना ये भी है, यहाँ पर आना, इस सामूहिक में भाग लेना, इस सुंदर सा पवित्र गौशाला में बैठकर ध्यान करने के लिए संगा के साथ जुड़ना भी। आज का समय और ये दिव्य क्षण कितना इम्पोर्टेंट है, आज नहीं तो एक महीने के बाद, एक साल के बाद, कुछ सालों के बाद आपको ये दिन याद आएगा। माय डियर मास्टर्स, हम आपसे जो भी बात या शब्दों के द्वारा हम अपनी भावों को, जो ज्ञान हमारे द्वारा रेडिएट हो रही है, यदि हम होने दे रहे हैं, उसके पीछे हमारा अनुभव ही कारण है। माय डियर मास्टर्स, जो जो सत्य मार्ग पर चलते हुए सत्य को जान लेते हैं, तब वो एक दूसरे से अलग नहीं समझते हैं। सत्य क्या है? हम सब इस शरीरों में बैठा हुआ चेतना शक्ति है। चेतना शक्ति इज नथिंग बट आत्मा, द सोल। ये सारे सोल्स एक ही स्पिरिट से आए हुए, यानी उसी परमात्मा, स्पिरिट बोलिए, परमात्मा बोलिए, आदि पराशक्ति बोलिए, मूल चेतना बोलिए, शब्द अलग बात एक ही है। जब उस परमात्मा की प्रतिबिंब में उतना ही क्षमता है, यानी मूल चेतना से आया हुआ सारे चेतनाओं में वही एकता, वही प्रेम और करुणा है। ये सत्य जानने के लिए शरीर, जिस शरीर में हम सब बैठे हुए हैं, उस शरीर के तल से ऊपर उठना होगा, बियॉन्ड फिजिकैलिटी। तब जाके बात खुद के अनुभव से समझ में आ जाएगा। जब मैं एक आत्मा हूं तो मेरे सामने बैठे हुए ये भी तो आत्मा है, एक आत्मा, दूसरे आत्मा, सब एक ही चेतना का बने हुए हैं। वहां पर फिर जब उस स्थिति में जागृति होती है माय डियर गॉड्स, तब जिस धर्म की दीवार खड़े हुए हैं हमारे सोसाइटी में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, धर्म की नाम से
मानवता को अलग अलग किया जाता है, आपस में भेदभाव, लड़ाई, ये सब चीज, ये सब अपने आप शांत हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, हम सबकी एक ही जाति है, वो मानव जाति है, ये भी बात समझ में आ जाएगा। तब कृष्ण जी की वो भगवत गीता हो, जीसस की बाइबल हो, या मोहम्मद जी की कुरान हो, बात एक ही बात वो कहना चाह रहे हैं, हम भी उतना ही अनंत शक्ति को अपनी जीवन में उतारते हुए जैसा चाहिए वैसे हम अपनी जीवन को सृजन कर सकते हैं, ये बात समझ में आ जाएगा। तब किसी भी संत की नाम ले लीजिए, गजानन महाराज हो, शिरडी साई बाबा जी हो, सदानंद बाबा जी हो, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हो, वो सब वो ही महोन्नत आत्मा, चेतना शक्ति खुद जागते हुए जिस रास्ता से वो जाने से उनकी जागृति हुआ था, वही रास्ता से आप लोग आ जाओ, आपका भी जागृति हो जाएगा करके वो बता रहे हैं। जो सत्य बताने के लिए इस समाज में उतरे हैं, उनको भी फिर हम जिस दीवार कड़ा करके धर्म की भाग किया हुआ है, फिर हम उनको भी अपनी अपनी धर्म में विभाजन करने की प्रयास करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हमारे भीतर की बदलाव नहीं आएगा, तब तक बाहर से कोई भी आके हमें कोई उद्धारण नहीं कर सकते हैं। एम ए राइट और रॉन्ग, सभी के अंदर वही पोटेंशियलिटी है, वो उतना ही क्षमता है। जब तक ये बात नहीं पता चलेगा, तब तक हम किसी की फॉलोअर बनके उनकी पीछे पीछे भाग रहे हैं ताकि उनकी पीछे जाने से मुझे कुछ मिल जाए, यही इरादा से। हो सकते हैं आज कुछ कुछ बातें आपको कड़वा लगे, दोस्तों सच बात करना है, आध्यात्मिकता यानी सत्य जानना है, सत्य के साथ खड़े होना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आध्यात्मिकता के नाम से मास्क लगाकर दूसरे को प्लीज करने के लिए, आप सबके सामने अच्छा बनने के लिए, जो सत्य है उसको छुपाकर, जो सभी को बात अच्छा लगेगा वो बात करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। यस माय डियर गॉड्स, आज आप लोग अपने बारे में भी थोड़ा हिंट समझ के ही घर जाइएगा, क्यों आप यहाँ तक आए। सत्य तो यही है, हम सब मंदिर भाग रहे, मस्जिद भाग रहे, किसी भी संत के पीछे भाग रहे, चर्च जा रहे, गुरुद्वार जा रहे, किसी को आप बताने की जरूरत नहीं, बट अपने आप से पूछिएगा, कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्टेशंस रखे, जाना गलत नहीं बोल रहे, लेकिन इरादा क्या है। आधा घंटा के लिए, हफ्ते में एक दिन दो दिन के लिए हम जाके जिस मन की शांति वहां ढूंढ लेते हैं, उसी मन की शांति के द्वारा हम हर पल जी सकते हैं, ये बात जानना है। शांति मिलती मंदिर में जाके, बहुत अच्छा मिलती, लेकिन उसके बाद जो हम करते हैं, मेरे नौकरी मिल जाए,
मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा बीमारी ठीक हो जाए। भगवान से हम मांगते हैं, कहीं जगह पर मांगने के मांगते मांगते वहां एग्रीमेंट्स भी चलता है, मेरा बिजनेस यहां से ये अच्छा हो जाए तो इसमें से 10% आपका, हम एग्रीमेंट्स करते हैं। और इसका नाम हमने लगाया आध्यात्मिक व्यक्ति हैं हम। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं? मंदिर जाना कोई गलत नहीं, मंदिरों में जब प्रतिमा की स्थापना होती है, मंदिर है ना यहाँ पर, किसकी किनका मंदिर है? भोलेनाथ जी का। अरे वाह, भोलेनाथ जी को जय हो, जोरदार तालियां बजाइए। भोलेनाथ मतलब ही तपस्वी है। बाबा क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कलयुग में या हजारों साल पहले मानवता को जिस रास्ता में जा रहे थे, वहां से पटरी से उतारने के लिए कुछ प्रयास हुआ था। उसका कारण जानना है जिन जिनको इंटरेस्ट है, सनशाइन बिफोर द डॉन एंड ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक्स पढ़िएगा, ठीक है? तब क्लैरिटी मिल जाएगा। उस सिलसिला में हरेक के अंदर की 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए था ह्यूमन के अंदर ओरिजिनली, वो साइंस को अभी भी पकड़ में नहीं आ रहा है। उसको काट के 2 स्ट्रैंड्स डीएनए में कर दिया गया है। रीजन, 12 स्ट्रैंड्स डीएनए में हमारा ब्रेन की जो हाइपोथैलेमस, किस किस को पता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में, उसकी पार्ट है। वहां से हमारा नॉट ए फिजिकल एनर्जी एंटीनास खुलकर ब्रह्मांड की जहां पर सत्य है उस तक कनेक्शन मिल जाती है। जैसा चलो ये तो वायर है, वायरलेस फोन में यहां मेरा फोन होगा, वहां पर स्पीकर होगा, आवाज जाती, उसी तरह पूरा हमारे मानव की शरीर बड़ा प्लान करके बनाया गया है। उस शरीर में मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड, हमारे मस्तिष्क में नीचे बैक साइड ये ग्रंथि है, ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, ग्रंथि है, वो हाइपोथैलेमस हिप्पोकैम्पस इस तरह की कुछ भाग है हमारा ब्रेन में, वो सब हमारे असली बात के साथ जोड़ने वाला कनेक्शन है। उस कनेक्शन जब तक बना रहेगा तब तक आपको पता चलेगा आप कौन है। मैं तो उन्नत चेतना हूं, मैं तो अनुभव करने के लिए धरती पर आया हूं, कभी मेल बॉडी में कभी फीमेल बॉडी में अनुभव कर रहा हूं। जब आपको सत्य पता चलेगा दूसरे की गुलामी बनोगे, इसलिए आपको गुलामी बनाने के लिए किसी ना किसी मकसद से आपको वो याददाश्त से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डिस्कनेक्ट करके वो दोबारा कभी भी कनेक्ट ही ना हो, उसके संबंधित, ध्यान से सुनना माय डियर लाइट वर्कर्स, उसकी संबंधित समाचार को फैला दिया गया है। उसमें से बार बार पितामह क्यों गार्लिक मना करते हैं, उसमें रीजन ये भी है, राइट? आहार जो ले रहे हैं साइंस स्टूडेंट्स, साइंस बहुत सारे दोस्तों पढ़ा होगा यहाँ पर, उसकी अकॉर्डिंगली आप देखोगे हमारा इंटेस्टाइन, हमारे दांत जिस स्ट्रक्चर में बने हुए हैं वो शाकाहार के लिए बनी हुई है। हमारा जो आंतड़ी है बहुत लंबी है, यानी जो आहार लेते हैं वो अंदर ज्यादा समय तक भीतर रहती है। इसका मतलब शाकाहार भोजन के अनुसार ये बनी हुई है। शाकाहार जिस पेट्रोल की गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हैं,
पेट्रोल ही डालती हो, क्यों डीजल क्यों नहीं डाल रहे? खराब हो जाएगा इंजन, तो आपको इंजन खराब करने की चक्कर में पेट्रोल की गाड़ी में इंजन डालने के लिए आपको समाचार दिया गया है, और एग्जैक्टली सत्य क्या है उसको काट दिया गया है। समझ में आ रहा? क्योंकि पूरा मानवता के साथ क्या हुआ है, उसमें हम कहाँ है, ये बात जानेंगे तब आज यहाँ क्यों बैठे ये भी बात समझ में आ जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, शाकाहार भोजन की मशीन में, व्यवस्थाओं में हम जो महोन्नत आत्माएं जानवरों के रूप में आके वो अपनी रोल निभा रहे हैं, धरती मैया की गर्भ में बैठ के उनको काट पीट के उनको दुख देने से वो दुख की भाव कहीं नहीं जाएगा, वो दुख की ऊर्जा धरती पर बने रहती है। उस दुख को क्लीन करने के लिए जब धरती अपनी हिला देती है, हम बोलते हैं सुनामी आया, हम बोलते हैं भूकंप आया, उसमें लाखों मानवता की नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान की कारण कौन है इसको समझने की क्षमता कितने में है? समझ में आ रहे दोस्तों? यस। सो डियर फ्रेंड्स, इन सब घटनाएं जितना भी घटित हुआ है उसको, उस युग को हमने नाम दिया है कलयुग। हर एक शरीर के अंदर, वो फीमेल हो या मेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक इंसान के अंदर स्त्री तत्व भी है पुरुष तत्व भी है, दोनों तत्व है, उसी को हम बोलते हैं अर्धनारीश्वर। शिव जी एक चेतना शक्ति, पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ चेतना शक्ति की सिंबॉलिक है। अर्धनारीश्वर है, जो अर्धनारीश्वरी तत्व उनका है, इस मूल चेतना से आया हुआ हर एक चेतना शक्ति भी, स्पिरिट से आया हुआ हर एक सोल यानी हर एक आत्मा में दोनों तत्व है, वो अर्धनारीश्वरी तत्व है सभी में, लेकिन वो जागृत भी नहीं है, बैलेंस्ड भी नहीं है, वो इम्बैलेंस हो चुके हैं। उसमें से जो स्त्री तत्व है, हजारों साल पहले, लगभग 6000 साल हो गया इस बात का, हर एक इंसान में स्त्री तत्व जो है उसको बिल्कुल दबाया गया है। इसकी वजह से हर एक, वो मेल हो या फीमेल हो, जिनकी अंदर स्त्री तत्व है, जिसकी वजह से हम अपनी ब्रह्मांड, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ सकते हैं, जो सेंसिटिविटी है, जिस सेंसिटिविटी के द्वारा हमारा एनर्जी कनेक्शन बन सकता है, उस सेंसिटिविटी है हर एक के अंदर की स्त्री तत्व। उस स्त्री तत्व को ही दबा गया है, जिसकी वजह से हम सत्य से हट गए हैं। अब सत्य साइड हो गया है, जो हमें मिल गया उसी को सत्य मानते गए। इट मींस असत्य के लिस्ट पकड़ के सोसाइटी जनरेशन टू जनरेशन, जिस औरत की अंदर स्त्री तत्व पुरुष तत्व में जब डिफरेंस आ गया, दोनों में ब्रेक आ गया, तो उनके द्वारा जन्म लेने वाला हर एक बच्चे की अंदर भी वो डिफरेंस आता गया। वो डिफरेंस की लड़ाई, फैमिली में एक दूसरे की लड़ाई, सोसाइटी में एक दूसरे की लड़ाई, देशों की लड़ाई, पूरा जगत में लड़ाई या लड़ाई, ये सब क्यों किया गया है, उसका पीछे कारण जानना है तो अभी मैंने दो किताब बोला है, सनशाइन बिफोर द डॉन, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, लोकल लाइट मास्टर्स के रिक्वेस्ट करती हूँ सभी दोस्तों को उसका अवेलेबल करवाइएगा, उसके बारे में भी बता दीजिएगा। आप सबको पढ़ना है, ये समझना है, देन ओनली वी आर लाइट वर्कर्स, राइट?
यस माय डियर फ्रेंड्स, ये यहां तक बात समझ लीजिए, इस बात को धीरे धीरे कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद आपको बहुत कुछ जागरूक होता जाएगा। आज यहाँ बैठकर जो सुन रहे हैं इन बातों का पीछे कारण, इसकी सत्य, जितना आप दृढ़ संकल्प के साथ साधना करते जाएंगे उसके अनुसार आपकी जागृति होता जाएगा, सत्य के साथ जुड़ते जाएंगे। माय डियर गॉड्स, इन सब चीजों को देखते हुए अब युग संधि की समय आ गया है, यानी सत्य युग की स्थापना के लिए भूमि पूजन का समय आ गया है। वो कोई और नहीं, 2024। माय डियर गॉड्स, 2024 के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। राम राज्य की स्थापना, राम प्रतिष्ठा हो गया, कितने लोग जानते हैं? पक्का? तो राम जी को जोरदार तालियां बजाते हैं। क्यों 2024 में फिर राम वापस आ गए हैं, किसी को पता है? नहीं। माय डियर गॉड्स, यही जानना है हम लोगों को, हो क्या रहा है? सिर्फ सुबह उठ गया, नाश्ता कर लिया, ऑफिस गए, पूरा दिन जॉब, कभी कोलीग के साथ, कभी बॉस के साथ, कभी सबॉर्डिनेट्स के साथ, पूरा दिन। फिर शाम को आया फैमिली के साथ एक दो घंटा, कभी प्यार से, कभी आर्गुमेंट, रात को सो गए। यही सिलसिला या बिजनेस, इसी सिलसिला को सत्य मानकर वहीं तक रहेंगे तो हमारा जीवन कुएं में बेंडक की तरह ही रहेगा। एक बार रुक के खड़े होकर जिस जगह पर आप हो, भाग दौड़ बंद करके रुके अपने आप से प्रश्न करना है, कर क्या रहा हूं मैं? रिटायरमेंट के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, 50 साल 60 साल भाग दौड़ किया, इधर कमाया उधर कमाया, बच्चे को पढ़ाना है, उसको ये बनाना है, शादी इतना बड़ा फैमिली में देना है, फिर बच्चे के ये दिक्कत, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारे चीज भाग दौड़ करते करते करते, फिर 50 साल के बाद बोलेंगे अब मेरे 50 साल हो गए, अभी घुटने के दर्द, बीपी, शुगर आने वाला है, बुला बुला के, दरवाजा खोल के, इनवाइट कर करके 60 साल के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, वह क्या है मेरे जीवन में जिनके लिए मैं भाग दौड़ कर रहा था? इज्जत नहीं देते मेरे बच्चे, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तरह तरह की शिकायत। तब आपको लगता है जीवन पूरा काली क्यों हो गया? माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर क्रिएटर्स, इतनी अमूल्य जीवन है हम सबका, बहुत बड़ा तोहफा है माय डियर फ्रेंड्स हमारा जीवन। इस तोहफा को ना समझने की वजह से ही एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह, जो रूटीन जनरेशन टू जनरेशन पकड़ाया जा रहा है, उस रूटीन में चलते हुए हम कौन है क्या है पूछने का भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को जानना होगा, तब असली जीवन जीना शुरू करेंगे हम, तब बात समझ में आ जाएगा। जब एक छोटा सा बच्चे जन्म लेते हैं, शिशु, उस समय उसको चलना, बोलना, खाना नहीं आता है, है ना? वो शिशु आत्मा थोड़ा सा बड़ा होते हुए और एंगेज, इसी तरह जैसा हमारे बच्चे छोटे से यंग बनते हैं, यंग से अडल्ट बनते हैं, अडल्ट से बड़े बनते हैं, उसी तरह हर एक आत्मा अपनी पूर्ण आत्मा से जन्म लेकर शिशु आत्मा की तरह खाना पीना सोने ही अनुभव करते हुए कुछ जन्म निकाल देती है, 25-30 जन्म, वहां से बाहर आकर तब तक
नास्तिकता में, अरे कोई भगवान वगन कुछ नहीं है करके खाने पीने सोने में, फिर कुछ जन्म के बाद फिर थोड़ा सा वो आत्मा बड़ा हो जाता है, तब नहीं कोई तो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है। फिर इसको समझने के लिए कहीं सारे, कभी मेल बॉडी में कभी फीमेल बॉडी में बार बार आएगा, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएगा आएगा जाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर वो आत्मा प्रगति करते हुए आगे बढ़कर थोड़ा मैच्योर होने के बाद तो ये शक्ति कहाँ है ढूंढ लेते, अच्छा ये शक्ति इस मूर्ति में है, इस भगवान में है, मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारा में है, जाके फिर हम ढूंढने लग जाते। फिर ये इस तरह की करते करते भक्ति मार्ग भजन ये सब करते करते कहीं जन्म निकल जाते, फिर भी बीमारियां वहीं अपनी जगह पर, मन की अशांति अपनी जगह पर। यदि शांति मिल रहा है भजन मंत्र करते हुए, मंदिर जाके सब कुछ करते, वो भी टेम्पररी, फिर एज इट इज लाइफ वहीं पर वापस आ रही है, तब जाके एक सोल आत्मा ओल्ड सोल की लेवल पर जब जागृत हो जाती है, तब बहुत भाग दौड़ हो गई, बहुत भागा मैंने इधर उधर, अब बाहर भागने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसकी खजाना कहीं तो रखा हुआ है चुपचाप, ये खजाना के लिए ढूंढ ढूंढ के अब बहिर्मुख नहीं, खजाना यहाँ रखा हुआ है करके अंतर्मुख जो हो जाता है, वो आत्मा ध्यान की संगा के साथ जुड़ती है। दोस्तों यानी यदि आज आपको लग रहा होगा मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, आपका पहली बार नहीं है मेरे दोस्तों, जन्म जन्मों की यात्रा करते हुए इतनी लंबी जर्नी कर करके आप खुद को अंदर भीतर ढूंढने के लिए आप यहाँ पर आके बैठे हैं माय डियर गॉड्स। ये है आपका सत्य, इस बात को आज जितना अजम हो सकता है उतना अजम कर लो, आज नहीं तो एक साल के बाद या 10 साल के बाद ये ही सत्य जानोगे आप। यदि आके बैठे हैं तो आप अपने लिए आके बैठे, जब आप रेडी हो जाते हो प्रकृति की कोई भी चीज आप तक मैसेज पहुंचा सकती है, एक गाय भी आपको मैसेज पहुंचा सकती है, एक पिरामिड भी, एक व्हाट्सएप मैसेज भी, एक किताब भी, एक पॉम्पलेट भी, आपकी रेडीनेस के लिए ये प्रकृति मैया वेट करती है। जैसा जैसा ये आत्मा रेडी हो जाती है नेक्स्ट लेवल के लिए, पूरा जाते जाते भी ट्रेन में भी कोई इसकी वार्ता पहुंचा देते, स्कूल में कोई टीचर बन के वार्ता पहुंचा देंगे, कोई पड़ोसी बन के, कोई दोस्त बन के, कोई बहन बन के, कोई हस्बैंड बन के, कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो सब प्रकृति का ही एक हिस्सा है। प्रकृति में जब मुझे यहाँ पर मच्छर काट रहे हैं तो मैं वेट करूंगी, ये ही हाथ यहाँ पर मच्छर को उठाएगी, क्या करेगी ये वाला हाथ, आंखें भी देखेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो पूरा बॉडी रेस्पॉन्ड करती है कि नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह ये यूनिवर्स एक बॉडी है, हम सब एक दूसरे के साथ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, प्रकृति मैया की गोदी में हम सब एक ही शरीर है, जो दिख रहा है ये ब्रह्म है, ये सत्य है। कितने लोग इस सत्य को जानना चाहते हैं अनुभव से? यस बाबा, सत्य जानने के लिए आप तैयार हो तभी तो यहाँ आए हो, अदरवाइज आपकी जलगांव में करोड़ों लोग हैं, वो क्यों नहीं है, आप ही क्यों है यहाँ पर? एक स्कूल में 5,000 बच्चे में से 10th जो पास हो जाते उन्हीं को 11th में एडमिशन मिलते,
जिनको ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हैं उन्हीं को पीजी मिलता है, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह जिन जिनको एलिजिबिलिटी है उसकी अकॉर्डिंगली उनके नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए प्रकृति यूनिवर्स हमेशा काम करती रहती है। प्रकृति मैया को इस यूनिवर्सल डिवाइन प्लान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम। इस मानवता से के साथ क्या हुआ, बात क्लियर? वापस उस कलयुग से सत्ययुग की संधि पर हम खड़े हो गए, यहां तक बात क्लियर? और आप अपनी आत्मा की यात्रा हजारों सालों से यात्रा करते हुए ही अब अंतर्मुख होकर अपने खजाना को पकड़कर अहम ब्रह्मास्मि स्थिति को जानने के लिए आप यहां तक आए हो, ये बात क्लियर? वाओ, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये है, ये सब जानने के लिए हमें मदद करने वाला ध्यान है बाबा। और ये सिस्टम्स क्या है, ये सिस्टम्स के बारे में स्कूल में साइंस में पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्मेसी की यू मैं भी ठीक है पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें क्या है, ये ग्लैंड क्या काम करती है, स्प्लीन के बारे में, पैंक्रियास के बारे में, हाँ ये रिलीज करती है, ये एंजाइम रिलीज करती है इस खाना को डाइजेशन करने के लिए। कोई भी ऐसा किताब बता दो मुझे, पैंक्रियास स्प्लीन आपकी फिजिकल बॉडी को आपका एनर्जी बॉडी को दोनों को कनेक्ट करती है, किसी किताब में लिखा हुआ है? एनर्जी बॉडी भी एक होती है, ये कहीं लिखा हुआ है? हमारे सेवन बॉडीज है, ये कहीं लिखा हुआ है? हमारे बॉडीज में चक्रास है, कहीं लिखा हुआ है? फिर तो असली एजुकेशन आत्मज्ञान है, आत्मज्ञानी बनाना है सारे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को। अपनी स्कूल की पढ़ाई करते रहो, उसके साथ साथ आत्मज्ञानी बनने के लिए असली किताब को भी पढ़ना है आप लोगों को। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमसे कंपैरेटिवली अब इन बच्चे की यहां पर जो डस्टबिन है थोड़ा सा ही भरी हुई है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी चीज जिसमें डालते हैं उसी को डस्टबिन बोलते हैं। तो यहां पर डस्टबिन जितना साल बढ़ते जा रहे हैं उतना सुबह से शाम तक 24 घंटे की लाइफ में, एक जिस घर में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, हम जिस घर में हम रह रहे हैं, जिसके जिनके साथ हम सहजीवन कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करते हुए जोरदार तालियां बजाइए। जब कर्म सिद्धांत का पता चलेगा तो उनका भी कीमती पता चलेगा, वो कौन सी एक दूसरे को सिखाने के लिए कैसा डिवाइन प्लान करके आए, उस बात को समझते हुए दूसरी ढंग से, जैसा जैसा बचपन से ही हमारे बारे में दूसरे ने कुछ भी बोला होगा, यदि इस बच्ची को आप कुछ भी बोलोगे, बोल यदि वो कुछ भारी उठा रही है, अरे तुम्हारे बस की नहीं है तुम जाओ, बोलने से उसके अंदर एक बीज डाल दिया, वो आपको भी नहीं पता, आपको लग रहे हम इस बच्ची को बचाने के लिए हम कुछ बोल रहे हैं, आपकी बोलने का डंक को वो ले लेगी, मेरा बस की कुछ भी नहीं है। बड़े होके जब वो इस उम्र में आएगी, वो कुछ करने से पहले आपने उसकी 5-6 साल में जो बोला था तुम्हारा बस की नहीं तुम छोड़ो, तब वो भी उसी समय सारे गिव अप देना शुरू करेगी। तो बचपन से हमें एवरीडे जो जो कोई भी कुछ भी बोला जा रहे हैं वो सब हमें अपनी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस डस्टबिन में गिरता जा रहे हैं दोस्तों, तब आपको बहुत बड़ा पिक्चर समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है सत्य। जब तक आपको ये बात नहीं समझ में आएगा तब तक हजारों सालों से एक महोन्नत आत्मा में इस धरती पर कितना भी संत लोग आएंगे बोल के जाएंगे, आएंगे बोल के जाएंगे, बट हम वहीं की वहीं रह जाएंगे। इसलिए हर एक महोन्नत आत्मा को ये डिसीजन लेना होगा, यस
मेरा जीवन में जागृति मुझे करना है। कितने लोग जागृति करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, ये सब करना है तो सिंपल सरल आनापाना सती ध्यान, क्योंकि ये सब जानना है सबसे पहले आपको अपनी भीतर की ऊर्जा बढ़ाना होगा। ऊर्जा बढ़ाने से ही सब कुछ संभव होगा। ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको ध्यान करना होगा, अंदर की स्थिरता के लिए ध्यान करना होगा। सिंपल सरल ध्यान है, ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान होता है बस, वो स्थिति है। कम्युनिकेशन के लिए करना बोलते, कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ भी ना करते हुए शांति से बैठ के फिंगर्स में उंगलियों में उंगलियां डाल के क्रॉस लेग्स के साथ क्लोज्ड आइज, जो प्रेजेंट मोमेंट में चलने वाली पास्ट और फ्यूचर में, कभी भविष्य में कभी भूतकाल में ले जाने वाली जो है वो मन है, राइट? उस मन के पीछे जब तक भागते रहोगे वो अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते जा रहे हो, ऊर्जा वेस्ट होते जा रही है, फिर बीमार पड़ते जा रही हो, मन की अशांति होते जा रही है। उस ऊर्जा को वेस्ट ना होते हुए अपने बचाते हुए उस जिस वो ही ऊर्जा फिर आपकी पीनियल ग्लैंड को पूरा, जो जो ग्लैंड्स आपकी दिव्यता को पकड़ के बैठे हुए, अपनी भगवत्ता स्थिति को बैठे हो पकड़ के बैठे, वो सब एक्टिवेट होने लग, जैसा जैसा एक्टिवेट हो जाएगा फिर आपकी सत्य की बोध होगा। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ऊर्जा अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए ध्यान करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, सज्जन सांगत्य करना होगा। ये स्वाध्याय सज्जन सांगत्य क्या है ध्यान के बाद में बता देंगे। ध्यान की करने का स्थिति में भी कहीं लोग ये जानते हैं जैसा ऐसा करने का है ना, कहीं जगह पर स्कूल में ऐसा करके ओम बोलने के लिए बच्चे को भी इधर उधर सिखाया जाते हैं। बेसिकली जब शिवजी वगैरह उनके पास बहुत ऊर्जा है अब और उनको जरूरत नहीं है तो समाज की सेवा के लिए वो ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन अब हमें खुद को पता ही नहीं हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां, मन की अशांति, बुद्धि विकसित हुआ ही नहीं, ये आत्मा है क्या, कोई आके आत्मा चेतना शक्ति बोलेंगे, फॉरेन लैंग्वेज लगते हैं। बट इन सब को चीज को जानना है तो सबसे पहले अपने ऊर्जा बढ़ाना है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम जो ऊर्जा पूरा दिन में 80% ऊर्जा अंकों के द्वारा, 10% ऊर्जा हथेली के द्वारा, 10% ऊर्जा पैर की तलवों के द्वारा वेस्ट हो रहे हैं, उसको वेस्ट ना होने देते हुए बचाने के लिए हम इस तरह के आलती पालती जो करके बैठे हैं वो करके बैठे हैं। ऊपर जो बैठे हैं वो क्रॉस लेग्स के साथ भी बैठ सकते हैं। किसी को कोई घुटने में दर्द है, कोई दिक्कत है तो सीधा करके बैठ सकते हैं, फिंगर्स लॉक करके। तब हम चश्मा हटा के, मोबाइल से स्विच ऑफ करके, तब हम अपनी भीतर की यात्रा शुरू करने से धीरे धीरे, धैर्य रखिएगा, नो वरी नो हरी। और ध्यान को लेके बहुत सारे मिथ्स है, ध्यान करने से ये होगा वो होगा, वैराग्य बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, संत बनेंगे, इन सारे मिथ्स, इन सारे फियर्स को, डर को साइड करके जीवन को जीने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान पाने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। माय डियर मास्टर्स, हम कौन है जानने के लिए ध्यान कर रहे हैं। हम परिवार को छोड़ेंगे तो हमारा पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया, समझ लीजिए परिवार ही हमारा कुल्ला किताब है हमें पढ़ाने के लिए। कर्म सिद्धांत से बाहर आना कैसा है हमें सिखाने वाला परिवार ही है। परिवार छोड़ के सन्यासी बनना आध्यात्मिकता नहीं होता, जीवन से भागना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान करने के लिए कोई ऐसा नियम निबंधन नहीं, ऐसा कोई समय नहीं। अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो शोर शराबा कम होगा, अर्ली मॉर्निंग एनर्जीज ज्यादा होते हैं, 24 घंटे में आप कभी भी ध्यान अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं। सुबह 3-4-5 बजे करीब और अच्छा से ध्यान लग जाती है, और सोने से पहले भी आप कुछ देर ध्यान करके सो जाएंगे तो जितना भी घंटे आप सोते हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, उसी ध्यान स्थिति में बहुत अच्छा लगेगा। जितना आपका उम्र है उतना मिनट ध्यान मिनिमम करना चाहिए करके पहले से बोला जाता है, लेकिन अब 2024 आ गया, सत्य युग की भू पूजन हो गया, तो जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना दिव्य ऊर्जा जो उतरी हुई है उसको और ले सकते हो।
क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्या है, क्या बनना है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो ध्यान चाहिए, बड़े के साथ कैसा बिहेव करना है, टीचर्स के साथ कैसा हम्बल रहना है, क्योंकि जहाँ ह्यूमिलिटी नहीं है, विनम्रता नहीं है, वहाँ कोई पढ़ाई है ही नहीं, जीरो सब कुछ है ना। तो यस, बड़े के साथ कैसा बिहेव करना है, माँ बाप के साथ कैसा रहना है, सोसाइटी में इतनी सारे अनुभवज्ञ हैं बैठे हुए बड़े बड़े, उनके पास कितना अनुभव है, 60 साल में कितना लाइफ उन्होंने देखा होगा, कितना अप एंड डाउन को देखा है, कितने धैर्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ थोड़ी देर बैठने से बच्चे को अपना नाना नानी दादा दादियों के साथ थोड़ी देर बिठा दीजिएगा, एवरीडे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। गौशाला इतना अच्छा है, दिखाइए जो रोटी रोज खा रहे हैं वो गेहूं कहाँ से आ रहे हैं, खेत में ले जाके दिखाइएगा। असली एजुकेशन को चुड़ा कर, किताब को पकड़ा कर, कॉन्वेंट में डालकर, हॉस्टल में डालने से बच्चे को असली मानव जीवन का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। माय डियर गॉड्स, माँ की जो प्रेम, एवरीडे माँ की प्रेम, उसी से मेंटल पावर मिलती है बच्चे को। हर दिन अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाइएगा, हौसला बढ़ाइएगा। मार्क्स थोड़ा सा कम आने से वो डाउन हो जाता है, ऐसा लगेगा पढ़ाई में थोड़ा भी मार्क कम हो गया तो ऐसा लगता है मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। कितने सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको हौसला दे दो, अरे तुम आत्मा हो। कुछ मार्क्स कम होने से या किसी को कुछ कहने से या बिजनेस खराब होने से या कुछ मैरिजेस में डिफरेंस आने से लाइफ में हौसला छोड़ने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। हृदय से लगाइए मेरे माताएं, ये है इस तरह की हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करना है। हम सब ही सोसाइटी है, तब ये भारत को पुण्य भूमि बना जाएगा। माय डियर गॉड्स, इस भारत के लिए सारे देश वेट कर रहे हैं, आज लिखे रखिएगा आप लोग, आने वाले दिनों में भारत के पास सीखने के लिए सारे कंट्रीज आने वाला है, यही होने वाला है। सारे कंट्रीज की मूल बिंदु भारत है। श्री चक्र कितने लोग जानते हैं, श्री यंत्र, श्री चक्र, श्री चक्र की जो जिक्सा, उसमें उसमें जो मूल बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, वो भारत है। माय डियर मास्टर्स, 2022 फरवरी 22 को आदि शंकराचार्य जी ने मुझे बताया ये बात, वो सारे महोन्नत आत्माएं सारे सीक्रेट्स बताते हैं। व्यास महामुनि जी बहुत सारे बातें बताते हैं, वशिष्ठ महामुनि जी बहुत सारे बातें बताते हैं। एक बार व्यास महामुनि ध्यान में, व्यास महामुनि जी की गुफा में बैठी हूँ तो वो वहाँ यहाँ पर कोई थ्रेड घुमाते हुए मुझे ये दिखा रहे थे, स्कूल्स में बच्चे बैठे हुए, उनके आगे डेस्क के ऊपर ये बच्चे स्कूल में जो किताब पढ़ रहे हैं, उस खुला हुआ किताब दिखा के, किताब की जगह पर मुझे ताड़पत्र ग्रंथों को दिखाया जाता है। उन स्कूल्स में जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इट हैज टू बी रिप्लेस विद द आत्मज्ञान। असली ज्ञान के द्वारा उसको रिप्लेस करना है, वो समय आने वाला है, उसके लिए आप सबको काम करना है करके व्यास महामुनि जी ने बताया है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस बाबा, ये सब क्या उद्भेद यात्रा के नाम से दो लोग करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। हम सबकी समाज है ये, हम सबकी भारत ही है ये, हम सबकी जाति है ये। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो जागृत के लिए ध्यान है, कोई सन्यासी बनने के लिए, बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद ध्यान करते हैं, बहुत सारे मिथ्स है उसके लिए नहीं है बाबा। आपको एक क्लैरिटी, दोस्त पीएमटी एंट्रेंस दे रही है तो चलो मैं भी दे दूं, दोस्त इंजीनियरिंग एंट्रेंस दे रही है तो मैं भी दे दूं, नो, यू हैव टू बी, आपको क्लैरिटी होना चाहिए मुझे क्या बनना है। यू आर यूनिक, यू आर नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर्स। मैं अपने में यूनिक हूँ, ये अपने में यूनिक है, ये अपने में यूनिक है। यदि मेरा यूनिक, मेरा सब्स्टिट्यूट ये हो सकती है तो ये जिग्सा पजल की इस ब्रह्मांड में मुझे होने की जरूरत ही नहीं है। फिर जब आप है, इट मीन्स एवरी वन इज इम्पॉर्टेंट, एवरी वन्स प्रेजेंस ही इस कंप्लीटनेस को पूर्ण कर रही है। ये बात क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की बातें करते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसा बातें हैं जिसके लिए ध्यान की जरूरत है। दवाई सुबह से शाम तक, रोटी से पहले दवाई खा लेते, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक द
दवाई, बिना दवाई की एक दिन भी नहीं चल रहे हैं। जब 2015 से जब से ध्यान में है तब से हम कैसा रह रहे हैं बिना दवाई की, मैं, हस्बैंड, दो बच्चे, विदाउट सिंगल टैबलेट 2015 से लेके अब तक हम जिंदा है आपके सामने। कैसा संभव हो रहा है? जब दीप्ति आपकी दोस्त दीप्ति से संभव है, आपसे क्यों नहीं है? ऐसा संभव है करके आपको जानना है, जो जानकारी ले रहे हो उसको उतारना है जीवन में, धीरे धीरे उस लेवल तक आना है। सबसे पहले जानेंगे तब भी तो हम उस रास्ता को पकड़ेंगे, है कि नहीं? वो जिसमें मैं जी रही हूँ, जिस ध्यान करते हुए जो जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, जिस थोड़ा बहुत सत्य को मैं जान पा रही हूँ, उस सत्य को मैं अपनी तक ना रखते हुए, हो सकते हैं आज थोड़ा सा परसेंटेज समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे जैसा साधना करते करते जाएंगे उसमें से परसेंटेज बढ़ाते हुए अपने आप को पकड़ के रखेंगे। इस वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, या पाकिस्तान हो, या सऊदी अरेबिया में हो, दो हाथ दो पैर वाली एक ह्यूमन, एक इंसान चल रहा तो ऐसा चलेगा कि संपूर्ण शक्ति के साथ आत्मज्ञानी बनकर, ये है सत्ययुग माय डियर मास्टर। यस, उसके लिए हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए कोई आसन प्राणायाम सिर नीचे पैर ऊपर नहीं करेंगे, शरीर को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 2015 से मैंने ध्यान शुरू किया, तब तक आसन प्राणायाम कर रही थी। मुझे ध्यान सिखाने के लिए आया IIT PMT कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क करती थी, जो उनको बोल रही थी मैं आसन प्राणायाम कर रही हूँ, उससे कोई फायदा हुआ ही नहीं। तब आप आंख बंद करके सांसों पे ध्यान दे दो बोल रही है, उससे क्या फायदा मिलेगा? मैं उनको भगाने की कोशिश किया, उन्होंने प्लीज करके, नुकसान तो नहीं है ना, करके देखो, 5 मिनट करके देखो। वो जो 5 मिनट आज आप लोगों के सामने बिठा दिया। बहुत सारे ऐसा सीक्रेट्स, वी आर मिस्टीरियस बाबा, है ना? हंस दो, वी आर मिस्टीरियस, माय गुडनेस। जब पता चल रहा था, अरे इतनी सारे जन्म, जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी स्टार्टिंग में, जैसा मैंने बैठा, सफेद दाढ़ी वाला, सफेद मूंछ वाला आके बैठ जाते थे। मैंने आंख जैसा बंद किया, सफेद दाढ़ी वाला, सफेद मूंछ वाला, एक बार देखा, दो दिन देखा, तीन दिन, 10-15 दिन के बाद मैं खुद तंग आ गए। मैंने बोला, कौन है आप? तो पता चला मेरा पास्ट लाइफ का ही मैं ही थी वो। तब मुझे ये मेल फीमेल की अंतर, अलग नजर, ये सब कुछ मिटता गया, मिटता गया, मिटता गया। इस तरह के एक मिलिट्री मैन भी थी। मेरे डेथ कैसा हुआ, कहीं सारे जन्मों में मेरे डेथ कैसा हुआ, कैसा कैसा किया, कहीं सारे ऐसा ग्लिम्स दिखाई दे दिया, ताकि पता तो चले हम सिर्फ ये नहीं, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी यात्रा करके आए। जब मैं अपने आप को पहचानूंगी तब भी तो मैं आपको पहचान पाऊंगी, है कि नहीं? नहीं तो मैं बोलूंगी, मैं दीप्ति, ए शीतल, जा तू, मेरा तेरा की दीवार खड़ा कर दूंगी, लड़ते ही रहूंगी, जीवन बर्बाद, मेरा बर्बाद करूंगी खुद और सोसाइटी का बर्बाद करती रहूंगी, पनिशमेंट बन जाऊंगी। पनिशमेंट नहीं बनना है हमें, तोहफा बनना है। किस किस को बनना है?